सुमन पटेल, मैं आशा के पद पर नियुक्त हूँ, ग्राम दोस्तपुर है। मेरा काम ये है कि मतलब गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। गर्भवती महिलाओं का मतलब जब जानकारी होती है तो गर्भवती महिलाओं को तो मतलब उसके बाद टीका लगवाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी जांच करवाते हैं। एक फिल्म बनाने के लिए जब डिजिटल पब्लिक हेल्थ से लोग गांव आते हैं और हमसे मिलते हैं, फिर पूछते कह बताते हैं कि एक फिल्म बनाना है, तो हम मतलब सब महिलाओं से मिलवाते हैं और जो महिला ज़्यादा बोलती हैं उनका ही चयन किया जाता है। उसके बाद में रिहर्सल करवाते हैं और फिर उसके बाद फिल्म बनाते हैं वो लोग। इस फिल्म में मतलब लोकल स्थानीय लोग रहते हैं, इन पर मतलब विश्वास लोग ज्यादा करते हैं। किसी से जाके बताओ देख रेख पूरी हो जाए और घर पर ही काम हो पाए, कौन व्यवस्था घर पर बताओ। आपातकालीन समय के लिए साधन की व्यवस्था, काट छाट करके जब फिल्म पूरी तरह से बन जाती है फिर उसको गांव में हम लोग दिखाते हैं। मेरा नाम कलावती आशा है, मैं आशा बहू के पद पे काम करती हूँ। लाते हैं और उनको मीटिंग वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो हम अनेक प्रकार के दिखाते हैं और वीडियो में हम जैसे कि उसमें स्तनपान पे है, प्रसव पूर्व तैयारी पे है, खान पान पे है, खतरे के लक्षण, ऐसे मतलब अनेक प्रकार की वीडियो दिखाते हैं। मेरा नाम संगीता है, मैं गुलाबखेड़ा मजरे जीगो में रहती हूँ। मेरा जब पहला बच्चा मेरे पेट में आया, मैं गर्भवती हुई तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे कैसे दूध पिलाया जाएगा और अनेक जानकारियाँ कोई मुझे नहीं थी। तो उसके बाद हमारी आशा दीदी ने गांव में मीटिंग की, वहाँ पे मैंने अनेक वीडियो फिल्म देखी जिससे उसमें स्तनपान के विषय में एक वीडियो फिल्म दिखाई गई। उसको मैंने जब देखा तो हमारी समझ में आया कि कैसे कैसे दूध पिलाया जाता है, बच्चे के वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, अनेक अनेक फायदे हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रहता है, माँ भी स्वस्थ रहती है। अपने कार्य क्षेत्र में सारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, सबको दिखाते हैं। सारी महिलाएं बराबर आती हैं, एकाग्र मन से बिल्कुल वीडियो देखती हैं और अगर जहां पे नहीं समझ में आता है तो हमसे रुक के पूछती हैं और उसको फिर दिखाने के लिए हमसे कहती हैं। पहले तो हमारे गाँव में जब हम जाते थे उनको बुलाने के लिए या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने जाते थे तो महिलाएं सुन तो लेती थी लेकिन अक्सर करती नहीं थी। और देख के समझती हैं, मतलब उसमें देख के समझ जाती हैं कि ये लोग ऐसे कर रही हैं वैसे कर रही। पहले तो जब टीका के लिए बुलाने जाते थे तो वो महिलाएं कहेंगी कि मतलब हम टीका नहीं लगवाएंगे, ऐसा है वैसा है, सभी मतलब इनकार ज़्यादातर करती थी, लेकिन अब ज़्यादा मतलब कोई भी इनकार नहीं करता है और अब सभी लोग ऐसा करने लगे हैं कि मतलब जो देखते हैं वही करते हैं।